हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों फिर सब सभी का स्वागत है रिकमेंड का एक नया वीडियो पे। सो फाइनली दोस्तों रेडमी की तरफ से एक नया स्मार्टफोन को लॉन्च किया गया है जिसका नाम है रेडमी 10 प्राइम। इसके स्पेसिफिकेशंस वीडियो आप लोग बहुत सारे देख चुके होंगे, बट आज के इस वीडियो के अंदर मैं सोचा कि ये जो रेडमी 10 प्राइम है ना, इसके साथ एक इंडियन ब्रांड माइक्रोमैक्स इन नोट 1 का एक कंपेरिजन किया जाए। देखते हैं कि एक चाइनीज कंपनी और एक इंडियन कंपनी के जो दोनों अलग अलग स्मार्टफोन है उसके अंदर क्या डिफरेंस आता है, क्या उस सेम प्राइस पॉइंट पे वो लोग सेम टू सेम चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं, विच वन इज द बेस्ट, द इंडियन वन और द चाइनीज वन, सारे चीज के बारे में आज क्लियरली बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों आज का इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो देखो दोस्तों, रेडमी 10 प्राइम एंड माइक्रोमैक्स इन नोट 1 दोनों का प्राइस ऑलमोस्ट सेम है, विच इज 12,499 रुपीज। तो 12,500 रुपया पे दोनों ही स्मार्टफोन मार्केट पे अवेलेबल है। अब यहां पे बात है कि ये जो डिवाइस है इसके सबसे पहले मैं अगर वेट वगैरह का बात करता हूं तो Redmi 10 Prime जो है वो 192 ग्राम के साथ आता है, जहां पे Micromax In Note 1 जो है वो 196 ग्राम के साथ आता है। 4 ग्राम की इधर उधर होने से ज्यादा कुछ फर्क आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। मेन जो चीज होता है स्मार्टफोन का वो है इसका डिस्प्ले। तो यहां पे अगर मैं बात करूं सबसे पहले Redmi 10 Prime के डिस्प्ले को लेके, तो यहां पे आप लोगों को कलर एलसीडी स्क्रीन मिल जाता है, जहां पे Micromax In Note 1 के अंदर आप लोगों को कलर आईपीएस एलसीडी डिस्प्ले मिल जाएगा। उसके साथ अगर मैं स्क्रीन साइज वगैरह का बात करूं तो Redmi 10 Prime जो है ना, इसके अंदर आप लोगों को 6.5 इंच का डिस्प्ले देखने को मिल जाता है विथ 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। बट जो In Note 1 है उसके अंदर आप लोगों को 6.67 इंच का स्क्रीन देखने को मिल जाएगा, बट वो नॉर्मल 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आता है। तो यहां पे एक छोटा सा जो है चेंजेस आप लोगों को देखने को मिल जाएगा Micromax In Note 1 के साथ 10 प्राइम का। इवन दोस्तों मैं पिक्सल पर इंच का बात करता हूं तो पिक्सल पर इंच जो 10 प्राइम है उसके अंदर आप लोगों को 321 मिलता है, जहां पे In Note 1 के अंदर ऑलमोस्ट 395 के आसपास मिल जाता है। तो इसके चलते होगा क्या, जो स्क्रीन है वो ज्यादा कलर वाइब्रेंट होगा, आपको देखने में मजा आएगा, जो प्रॉपर कलर है वो ज्यादा आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो बेसिकली व्यूइंग एक्सपीरियंस जो है वो काफी ज्यादा एनहांस हो जाता है इसके साथ। तो Micromax In Note 1 कहीं ना कहीं इस जगह पे थोड़ा बहुत आगे रहता है। इवन दोस्तों अब अगर मैं बात करता हूं इसके प्रोटेक्शन वगैरह का, तो जो 10 प्राइम है ना उसके अंदर आप लोगों को कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन मिलता है, ऐसे कुछ प्रोटेक्शन आप लोगों को In Note 1 के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। तो इस जगह पे फिर से 10 प्राइम जो है वो थोड़ा आगे निकल जाता है, क्योंकि इसके अंदर आप लोगों को कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन मिल रहा है। ये एक सही चीज है, ऑब्वियसली आज के टाइम पे होना चाहिए। बट यहां पे दोस्तों जो डिवाइस है 10 प्राइम 12,499 रुपीस पे 10 प्राइम पे आप लोगों को 464 GB देखने को मिल जाएगा, जहां पे Micromax In Note 1 आपको 4+128 GB प्रोवाइड कर रहा है। तो ये एक अच्छा बात है कि आपको ज्यादा स्टोरेज मिल रहा है। बट मैं अगर एक्सपेंडेबल मेमोरी का बात करूं तो जो 10 प्राइम है उसके अंदर आप लोगों को 512 GB का एक्सपेंडेबल मेमोरी ऑप्शन मिल जाता है, जहां पे अभी In Note 1 के अंदर 256 GB मिल जाता है। तो कहीं ना कहीं जो है स्टोरेज के हिसाब से यहां पे एक्सपेंडेबल मेमोरी के चक्कर में जो 10 प्राइम है वो आगे निकल जाता है। बट हाँ, एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट भी होगा इसके लिए, तो खैर ठीक है, बट फिर भी आपको एक्स्ट्रा स्टोरेज अगर जरूरत है तो यू कैन यूज दैट। इवन दोस्तों यहां पे अगर मैं बात करता हूँ GPRS या 3G 4G वगैरह का, तो जो 10 प्राइम है उसके अंदर आप लोगों को डुअल वोल्टी मिल जाता है, जो आपको In Note 1 के अंदर नहीं मिलेगा। इवन ब्लूटूथ वर्जन 5.1 आप लोगों को 10 प्राइम के अंदर मिल जाता है, ब्लूटूथ वर्जन 5.2 आप लोगों को जो In Note 1 है उसके अंदर देखने को मिल जाएगा। दोनों पे USB Type-C पोर्ट है, फास्ट चार्जिंग का सुविधा है दोनों के अंदर ही आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, दोनों पे ही आप लोगों को 4G कनेक्टिविटी प्रॉपरली मिल जाता है। तो ये जो सारे चीजें, ये तो छोटा मोटा नॉर्मल सा कुछ चीज है, बट यहां पे अगर मैं बात करता हूं सारे सेंसर्स वगैरह का, तो 10 प्राइम के अंदर आप लोगों को साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है, जहां पे जो In Note 1 है उसके अंदर आप लोगों को रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाएगा। तो यहां पे थोड़ा बहुत जो है लगता है कि थोड़ा पुराना स्टाइल अभी भी Micromax अडॉप्ट कर रहा है अपने डिवाइसेस के अंदर, बिकॉज रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर जो है वो बहुत पहले ही ऑमिट हो चुका है आज के टाइम पे, इन डिस्प्ले या अंडर डिस्प्ले, या नहीं तो आपको एटलीस्ट साइड माउंटेड देना चाहिए। तो यहां पे थोड़ा बहुत जो है मेरे को लगा कि ये चेंजेस करना चाहिए। इवन दोस्तों बाकी सारे सेंसर्स वगैरह का अगर मैं बात करता हूँ, तो दोनों स्मार्टफोन के अंदर ही आप लोगों को प्रॉक्सिमिटी, जाइडोस्कोप, ये वो जो भी अलग अलग सेंसर्स होते हैं, एम्बिएंट लाइट सेंसर, सारे सेंसर्स जो है
वो प्रॉपरली देखने को मिल जाता है। बट यहाँ पे दो एक्स्ट्रा चीजें जो है ना वो आप लोगों को 10 प्राइम के अंदर देखने को मिल जाएगा। जो 10 प्राइम है ना वो आप लोगों को डस्ट रेजिस्टेंट एंड उसके साथ साथ स्प्लैश रेजिस्टेंट भी बना देता है। तो छोटा मोटा पानी का जो छीटा वीटा पड़ता है ना उससे कुछ दिक्कत नहीं होगा, इवन डस्ट से भी इसका कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, जो माइक्रोमैक्स इन नोट वन के अंदर आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। उसके साथ दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ स्टीरियो स्पीकर्स वगैरह का, तो 10 प्राइम के अंदर आप लोगों को स्टीरियो स्पीकर्स देखने को मिल जाएगा, जो माइक्रोमैक्स इन नोट वन के अंदर आप लोगों को नहीं मिलता है एज सच। बट हाँ, फिर भी ऑब्वियसली यहाँ पे 10 प्राइम आगे रहता है, बट जितना भी मैंने वीडियोज वगैरह देखा है इन नोट वन के, साउंड वगैरह सुना है मैंने, ठीक ठाक लगा मेरे को, एकदम से टॉप लेवल का नहीं बोलूंगा बट हाँ ऑब्वियसली ठीक ठाक था। अब यहाँ पे आ जाते हैं कैमरा स्पेसिफिकेशंस के अंदर। तो जो माइक्रोमैक्स इन नोट वन है उसके अंदर आप लोगों को 48 मेगापिक्सल प्राइमरी, उसके साथ 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल डेप्थ एंड 2 मेगापिक्सल मैक्रो आप लोगों को देखने को मिल जाता है। डेप्थ सेंसर के साथ आपको ऑटो फोकस भी देखने को मिल जाएगा। बट अगर प्राइम का मैं बात करूँ तो 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर मिल जाता है, 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड सेंसर, 2 मेगापिक्सल मैक्रो, 2 मेगापिक्सल डेप्थ विद ऑटो फोकस। अब यहाँ पे बात है कि देखो दोस्तों 48 मेगापिक्सल 50 मेगापिक्सल में ज़्यादा अंतर नहीं होता है, या 8 मेगापिक्सल का अगर आप बात करते हो अल्ट्रा वाइड का, 5 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड का, यहाँ पे थोड़ा बहुत आप लोगों को दिक्कत या जो चेंजेस है, जो डिफरेंस है वो आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। बाकी 2 मैक्रो एंड 2 डेप्थ के लिए वो तो खैर नॉर्मल सा बात है, उससे कुछ काम नहीं आता है। बट यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह का, तो 10 प्राइम के अंदर आप लोगों को 1080p एंड 720p वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल जाता है। बट जो इन नोट वन है उसके अंदर आप लोगों को 1080p 30fps फुल HD वीडियो आप रिकॉर्ड कर सकते हो, जो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक अच्छा बात है, बिकॉज आजकल के टाइम पे बहुत सारे लोग हैं अपने स्मार्टफोन के कैमरा को यूज कर अपने वीडियोस वगैरह बनाते हैं, तो यहाँ पे आप लोगों को एक अच्छा खासा सुविधा मिल जाता है। इवन स्क्रीन भी इसका बड़ा है, तो आपको वीडियो बनाने के मतलब बनाने में भी बहुत सारा मजा आएगा। उसके साथ दोस्तों यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ पंचोल्ड जो कैमरा फ्रंट कैमरा है उसके बारे में, तो 10 प्राइम के अंदर आप लोगों को मिल जाता है 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, जहां पे माइक्रोमैक्स इन नोट वन के अंदर आप लोगों को 16 मेगापिक्सल का वाइड एंगल व्यू के साथ आने वाला फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाता है। तो अगर आप आपके स्मार्टफोन को लेके व्लॉगिंग वगैरह भी कर रहे हो ना, तो भी आप लोगों को काफ़ी अच्छा खासा जो है वीडियो रिकॉर्ड हो जाएगा। इवन दोस्तों फ्रंट कैमरा पे भी आप लोगों को 1080p रिकॉर्डिंग का सुविधा है दोनों स्मार्टफोन के अंदर, जहाँ पे आप 30fps पे फुल HD मोड पे फ्रंट कैमरा से वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। तो आई थिंक अगर आप एक ब्लॉगर हो तो दिस इज द बेस्ट चॉइस फॉर यू, बिकॉज यहाँ पे कैमरा क्वालिटी आप लोगों को काफ़ी सही देखने को मिल रहा है। अब दोस्तों आ जाते हैं एक स्मार्टफोन के जो हार्ड होते प्रोसेसर उसके बारे में। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं एंड्रॉयड वर्जन का बात कर लेता हूँ, तो 10 प्राइम के अंदर 11 मिल जाता है वर्जन, एंड जो इन नोट वन है उसके अंदर एंड्रॉयड वर्जन 10 मिलेगा। यहाँ पे बात है कि आपको जो है अपडेट मिल भी सकता है इन नोट वन के अंदर, तो वहाँ पे चांस आपको जो है 11 पे अपग्रेड हो जाने का, उसके साथ साथ सिक्योरिटी पैच वगैरह अपडेट जो है वो तो सारे चीज़ आप लोगों को मिल ही जाएगा। प्रोसेसर वगैरह का अगर मैं बात करता हूँ, तो आपको 10 प्राइम के अंदर G88 का प्रोसेसर मिल जाता है मीडियाटेक के तरफ से, जहाँ पे इन नोट वन के अंदर G85 मिल जाता है। यहाँ पे 85 का बात करो या 88 का बात करो, ज़्यादा डिफरेंस आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। दोनों ही 2 GHz पे क्लॉक्ड है, दोनों ही ऑक्टाकोर प्रोसेसर है, दोनों के अंदर ही आप लोगों को ARM Cortex A75 एंड उसके साथ साथ A55 देखने को मिल जाएगा। तो ऑलमोस्ट सेम टू सेम ही है, थोड़ा बहुत इधर उधर आप लोगों को देखने को मिलता है, उससे आपको कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप एक नॉर्मल यूजर हो तो। उसके साथ साथ दोस्तों माली G52 GPU यूज किया गया है, तो आप नॉर्मल जो गेमिंग वगैरह होते हैं एकदम हाई कॉन्फ़िगरेशन नहीं बट मीडियम कॉन्फ़िगरेशन पे, एवरेज कॉन्फ़िगरेशंस पे आप आपके जितने भी गेम्स होते हैं सारे आप खेल पाओगे, BGMI वगैरह भी अच्छा खासा आप खेल लोगे, इससे कुछ दिक्कत आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। अब अगर दोस्तों मैं फाइनली बात कर लेता हूं दोनों के बैटरी वगैरह के बारे में, तो 10 प्राइम के अंदर दोस्तों आप लोगों को मिल जाता है 6000mAh बैटरी विद 18W फास्ट चार्जर, जहां पे ये जो इन नोट वन है इसके अंदर आप लोगों को 5000mAh का बैटरी मिल जाता है विद 18W फास्ट चार्जर। 5000 में ज्यादा प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगा, थोड़ा बहुत जो है बैटरी बैकअप वो इंक्रीज होता है बट उससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं होता है आप लोगों को। 18W फास्ट चार्जर दोनों पे प्रोवाइड किया गया, तो इसके चलते आप जितने भी जल्दी स्मार्टफोन का बैटरी ड्रेन करोगे उतना ही जल्दी आपका स्मार्टफोन का बैटरी जो है वो चार्ज हो जाएगा।
तो ये दोस्तों रिवर्स चार्जिंग का सुविधा दोनों पे ही प्रोवाइड किया जाता है, ये एक अच्छा बात लगा मेरे को दोनों ही स्मार्टफोन के अंदर। तो ये है दोस्तों ऑलमोस्ट दोनों स्मार्टफोन के डिफरेंस। अब बात आता है कि इसमें से कौन सा स्मार्टफोन आपको लेना चाहिए। देखो दोस्तों, अगर आपको बड़ा सा स्क्रीन चाहिए, आपको अच्छा खासा वीडियो रिकॉर्डिंग का सुविधाएं चाहिए, आपको 1080p 30fps फुल एचडी वीडियो रिकॉर्डिंग सामने और रियर कैमरा जो है दोनों पे ही चाहिए, या उसके साथ साथ दोस्तों अगर आप बात करते हो यहाँ पे अच्छा खासा प्रोसेसर वगैरह का, इवन दोस्तों ये जो दोनों डिवाइस है इसके अंदर आप लोगों को इसमें से जो इन नोट वन है इस पर आप लोगों को 128GB स्टोरेज वगैरह मिलता है। तो सारी चीज़ अगर ऑल ओवर आप देखते हैं, उसके साथ साथ अगर आप इंडियन ब्रांड के कोई भी स्मार्टफोन को ढूंढ रहे हो, तो आई थिंक इस दोनों में से ये माइक्रोमैक्स इन नोट वन आपका अच्छा खासा चॉइस हो सकता है। बट अगर आपको लगता है कि नहीं दोस्तों मेरे को G88 ट्राई करना है, एक नया प्रोसेसर है वो, उसको मैं एक बार ट्राई करके देखता हूं, तो आपके लिए आप जा सकते हो Redmi 10 Prime के अंदर। बट मेरा अगर पर्सनल चॉइस आप पूछोगे तो ऑब्वियसली आई विल टेक माइक्रोमैक्स इन नोट वन। तो चलो दोस्तों आज का इस वीडियो की जरिए खत्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से रहना, ठीक से रहना।